उत्तराखंड पुलिस के मुखिया अशोक कुमार ने मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण किया। उन्होंने अधीनस्थों को अच्छे आचरण के साथ लोगों की समस्याओं के समाधान को पीड़ितों को न्याय दिलवाने की बात कही और साथ ही दस्तावेज भी देखे। डीजीपी अशोक कुमार ने उप निरीक्षक विवेचना के लिए बनाए गए कक्ष का लोकार्पण किया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने अभिलेखों को जांचने पर रखने के बाद अभिलेखों की संख्या और रखरखाव की जानकारी ली और अभिलेखों को ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान डीजीपी अशोक कुमार महिला केंद्र में पहुंचे और कर्मियों के लिए बने आवासों का भी निरीक्षण किया। वहीं डीजीपी ने नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी की। देखिए, आज हमने कोतवाली मंगलौर का वार्षिक निरीक्षण किया और इनका जो कैंपस है, भवन है, बैरक्स हैं, मालखाना है, ऑफिस है, महिला हेल्प डेस्क है, वो सब जवानों का मेस है, उस सब को क्लोजली बारीकी से उसका निरीक्षण किया। और साल भर में थाने में जितना अपराध हुआ है, जितनी घटना दुर्घटनाएं हुई हैं, उन सब के बारे में भी क्रिमिनल्स का हर एक का विस्तार से एनालिसिस किया। ओवरऑल कुल मिलाकर के थाने की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी पाई गई, बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। अपराध भी ओवरऑल बहुत कम है, विशेषकर हत्या में बहुत बड़ी कमी है। 2021 में 10 हत्याएं थी, 22 में 3 है।